नमस्कार, डिजाइन अंचल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की सुर्खियां। रूस और यूक्रेन के मध्य भीषण युद्ध के विराम एवं विश्व शांति के कल्याणार्थ रुद्राभिषेक के साथ महायज्ञ का आयोजन किया पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने। अज्ञात कारणों के चलते एक शख्स ने रेल की पटरी पर जाकर की आत्महत्या, जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम की जांच शुरू। कॉमरेड उमरामल पुरोहित की स्मृति में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। और महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में कहीं हुई महाआरती तो कहीं निकली शिव की शाही बारात। रत्नपुरी के राजा रत्नेश्वर महादेव पर पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। रूस और यूक्रेन के मध्य भीषण युद्ध के विराम एवं विश्व शांति के लिए रुद्राभिषेक के साथ महायज्ञ का आयोजन पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी द्वारा किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महाविनाश युद्ध में प्रतिदिन अनेक लोग मारे जा रहे हैं। इस युद्ध से विश्व के लाखों लाख लोग हताहत भी हो रहे हैं। वहीं युद्ध किसी मसले का हल नहीं होता, बावजूद इसके युद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जंग होती है तब समाज और देश के बीच कटुता की भावना ही बनती है। युद्ध के आगे बढ़ने से ऐसा लगता है कि यह विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है, जिससे संपूर्ण विश्व प्रभावित होगा। यह महाविनाश युद्ध आर्थिक एवं पर्यावरण के लिए घातक होगा। युद्ध का जल्द समाप्त होना अत्यंत आवश्यक है। विश्व शांति एवं महाविनाश युद्ध की समाप्ति के लिए भाजपा वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने डालूमोती बाजार स्थित लिम्बेश्वर महादेव मंदिर में विश्व शांति की कामना को लेकर यज्ञ का आयोजन किया। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो महाविनाशकारी युद्ध हो रहा है उसमें हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मारे जा रहे हैं। हमारे देश के नागरिक भी वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी भी आज जीवन संकट में है और पूरे दुनिया के अंदर इस बात के भय है कि कहीं यह युद्ध एटॉमिक पावर के रूप में यह युद्ध नहीं हो जाए, या इस कारण से दुनिया में सब लोग चिंतित हैं। यह युद्ध जल्दी से जल्दी बंद हो और सभी जो लोग हैं भाईचारे इसमें और प्रेम से पहले जैसे रहते थे वैसे वापस रहने जाए, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर यह यज्ञ कर रहे हैं। इस अवसर पर पवन सोमानी, अशोक चौटाला, समाज सेवी महेंद्र गादिया, राकेश पिपाड़ा के साथ बड़ी संख्या में भाजपा नेता व श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। अज्ञात कारणों के चलते एक शख्स ने रेल की पटरी पर जाकर आत्महत्या कर ली। जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता है, यही कारण होता है कि छोटी छोटी बातों का लोग इतना तनाव ले लेते हैं कि आत्महत्या जैसे करने वाले घातक कदम भी तनाव में उठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार देर शाम प्रदीप भटेवरा निवासी तेजानगर घर से मंदिर पर दर्शन करने जाने का कहकर निकला था, लेकिन वह मंदिर न जाकर डाटकी पुलिया के समीप रेल की पटरी के ऊपर पहुंच गया और उसने वहां पर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर शव को जिला अस्पताल पीएम के लिए पहुंचाया। जीआरपी थाना पदस्थ पुलिसकर्मी ने जानकारी देते हुए बताया, स्टेशन मास्टर रतलाम से मेमू आया और मेमू के आधार पर मेरे को एसएम अन सिंह ने बताया कि वहाँ पे रवाना हो डाट की पुलिया में। रवाना हुआ, रवाना होकर वह मुआयना करा, मुआयना में पटरी पे लाश पड़ी थी। बॉम्बे वाली तरफ जाने वाली ट्रेन उसकी पटरी पे शरीर इस तरफ था डीआरएम ऑफिस और सर उसका पटरी के पास अंदर की साइड था और चिपका हुआ था पटरी से।
बस वहाँ से उसका मुआयना किया, मुआयना करके पंचों के सामने वो लेके और फिर या अस्पताल पीएम के लिए लाए और परिजन आए और उनकी शनाख्ति करवाई तो प्रदीप कुमार भटेवरा के नाम से शनाख्ति हुई। कांग्रेस स्वर्गीय श्री उमरामल पुरोहित की स्मृति में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वावधान में कामरेड स्वर्गीय श्री उमरामल पुरोहित की स्मृति में रेलवे हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में अंकित गुप्ता, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश अवस्थी, डॉक्टर अविनाश चंद्र, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सीमा कौशिक, मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारट, नरेंद्र सोलंकी आदि मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में कई रेल कर्मचारियों ने रक्तदान देने के लिए अपनी भागीदारी देकर मनुष्य जीवन में रक्त का महत्व जानते हुए रक्तदान किया। इस अवसर पर महिला समिति सचिव रंजिता वैष्णव, युवा समिति सचिव रोहित देशबंधु के साथ करीब 70 से अधिक संख्या में रेल कर्मचारियों ने रक्तदान किया। और बट आपने टारगेट बड़ा छोटा रखा है, तो 100 का टारगेट उसको बढ़ाना चाहिए और हमें उम्मीद है कि 100 के ऊपर जाएंगे आज। थैंक यू सर। आप लोग को देख के और जोश आ रहा है, सब लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि एक्चुअली में हम बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में जावर नगर माँ पद्मावती मंदिर प्रांगण स्थित शिव मंदिर पर महाआरती का आयोजन हुआ। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में देर रात तक नगर में आयोजन चलते रहे। जवाहर नगर स्थित मां पद्मावती मंदिर परिसर में स्थित महादेव मंदिर पर महाआरती का आयोजन हुआ। यहां पर भोलेनाथ का भांग से आकर्षक श्रृंगार किया गया था। क्षेत्रीय पूर्व पार्षद समाज सेवी राजीव रावत मित्र मंडल ने महादेव को पुष्पमाला अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात महाआरती का आयोजन हुआ। वहीं महाआरती पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पूर्व पार्षद राजीव रावत, बलवीर सिंह सोडी, भगवती शर्मा गुरु, प्रेस क्लब डायरेक्टर जितेंद्र सिंह सोलंकी, कृष्णा रावत, संजय खंडकर, बब्बू सोलंकी के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार। जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है, 10x40, 10x50, 15x40, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9179970906, 888-9468-989, 888-7161-8737, 8318-644-057, 7000-456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी कनेरी रोड न्यू झाबुआ टू लेन पुलिस लाइन के आगे रतलाम। श्री महाकाल भक्त मंडल द्वारा मनमोजी महादेव मंदिर खैरातीवास से महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में भव्य शाही शिव बारात का आयोजन किया गया। श्री महाकाल भक्ति मंडल द्वारा मनमोजी महादेव मंदिर खैरादीवास से महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में भव्य शाही शिव बारात का आयोजन किया गया। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व समिति संयोजक संदीप छोटू सोनी व मुख्य अतिथि द्वारा महादेव की पूजा अर्चना करने के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया।
तत्पश्चात शाही बारात की शोभा बढ़ाने बाहर से आए कलाकारों का समिति द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बगला मुखी खाचरोत के संत श्री उपस्थित रहे। समिति द्वारा स्वामी श्री का शॉल श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। यात्रा में जवाहर व्यायामशाला के संचालक वैभव जाट, सनी पहलवान, सचिव राजीव रावत, मदन सोनी, हिंदू जागरण मंच के राजेश कटारिया, प्रदीप उपाध्याय, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विप्लव जैन, शिवांग शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में महादेव के भक्त शाही बारात में शामिल हुए। इस अवसर पर शहर में शिव बारात का मार्ग में जगह जगह मंच लगाकर स्वागत किया गया। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष में शहर में कई जगह धार्मिक आयोजन हुए। आयोजन की इस कड़ी में कार्तिक व्यायामशाला त्रिपुलिया गेट से भव्य कलश यात्रा का आयोजन शिव भक्तों द्वारा किया गया। कलश यात्रा त्रिपुलिया गेट से प्रारंभ होकर चांदनी चौक, चौमुखी पुल, रामगढ़ होती हुई त्रिवेणी मेला परिसर स्थित जबरेश्वर महादेव पहुँच कर सम्पन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण करने के साथ हर हर बम बम के जय घोष करते हुए चल रही थी। इस अवसर पर समाज सेवी कांग्रेस नेता मदन सोनी के साथ बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। साथ ही रत्नेश्वर महादेव मंदिर से भी महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की भव्य बारात निकली। वहीं रत्नपुरी के महाराजा को रतलाम पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद रतलाम के महाराजा की भव्य बारात ने रत्नेश्वर रोड से प्रस्थान किया। शिव बारात की अगवानी करने शहर विधायक चेतनी काश्यप भी पहुंचे। शिव बारात का मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। इस अवसर पर रत्नेश्वर महादेव समिति के सदस्य तेजपाल रेडा, नाकू सिंह, विक्रम गुर्जर, प्रहलाद माली, पूर्व पार्षद बंटी परिहार, मांगीलाल माली,
जगदीश पहलवान, भाजपा नेता मंगल लोढ़ा, गोपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। आज बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रूस और यूक्रेन के मध्य भीषण युद्ध के विराम एवं विश्व शांति के कल्याणार्थ रुद्राभिषेक के साथ महायज्ञ का आयोजन किया पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने। अज्ञात कारणों के चलते एक शख्स ने रेल की पटरी पर जाकर की आत्महत्या, जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम की जांच शुरू। कॉमरेड उमरामल पुरोहित की स्मृति में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। और महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष में कहीं हुई महाआरती तो कहीं निकली शिव की शाही बारात। रत्नपुरी के राजा रत्नेश्वर महादेव पर पुलिस ने दिया गॉड ऑफ ऑनर।